देखिएगा। सबसे पहला आज हम लोग देखेंगे जिसका नाम होगा कॉम्पोजिशन फंक्शन। कॉम्पोजिशन फंक्शन 12th का डिफरेंशिएशन का समझ लीजिए सबसे फर्स्ट टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक का डिफरेंशिएशन है, इसको आप लोग बढ़िया से समझिएगा। देखिए सबसे पहला चीज ये बात आपको, एक का नाम है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं संयोजन। क्या बोलते हैं? संयोजन। संयोजन का मतलब होता है मिलना। क्या होता है? मिलना, कि दो जब से आदमी मिलेगा तो उसी को संयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोग, मतलब कॉम्पोजिशन। क्या कहते हैं? कॉम्पोजिशन। देखिए अब समझिएगा कैसे मिलेगा, जो आपको समझना है। देखिए जैसे आपके पास एफ एक्स इक्वल टू रहेगा साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या रहेगा? साइन एक्स। और फिर एक फंक्शन रहेगा जी एक्स इक्वल टू आपको रहेगा लॉग एक्स। जब आप लोग जाइएगा, मतलब कहने का सेंस है कि जब जब आप लोग रिलेशन फंक्शन पढ़िएगा तो उसमें भी आप लोग कंपोजिशन फंक्शन पढ़िएगा तो वहां पे आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। यहाँ पे अभी हम लोग शॉर्टकट में सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझ दे, क्योंकि हमको तो डिफरेंशिएशन पढ़ना है ना, हमको फंक्शन के बारे में डिटेल नहीं पढ़ना, हमको उसका डिफरेंशिएशन पढ़ना है। लेकिन डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले उसका हमको फंक्शन के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो आइए ना हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे क्या है? लॉग एक्स है। अब कंपोजिशन में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं, देखिए समझिएगा सभी स्टूडेंट, साइन एक्स इनटू में लॉग एक्स रहेगा। तो इसको पढ़ने का तरीका समझिए, इसको पढ़ेंगे साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। क्या पढ़िएगा? साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। बट अगर से बाय चांस साइन इस एक्स के जगह पर, यह जो एक्स है उस एक्स के जगह पर आके बैठ जाएगा कितना? लॉग एक्स। तो यहां पे आप इंटू नहीं पढ़ सकते हैं, इसको पढ़िएगा साइन लॉग एक्स। क्या पढ़िएगा? साइन लॉग एक्स। यहां पे साइन में जो एक्स था उस एक्स के जगह पर कौन काम कर रहा है? लॉग एक्स। तो इसीलिए इसका नाम हो जाता है कॉम्पोजिशन फंक्शन। क्या नाम होता है कॉम्पोजिशन फंक्शन? कि मान लेते हैं कि पहले था साइन एक्स, पहले था साइन एक्स, तो यहां पे जो साइन था वो किसका फंक्शन था? एक्स का। बट अगर दे यहां पे अगर दे साइन लॉग एक्स अगर दे देंगे तो साइन हो गया जो किसका फंक्शन हो गया? लॉग एक्स का। और लॉग एक्स भी एक वो फंक्शन है किसका? एक्स का। तब कहने का सेंस है कि साइन हो गया लॉग एक्स का फंक्शन और लॉग एक्स हो गया किसका फंक्शन? एक्स का। थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा है ये पेचीदा है लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए फिर से हम आपको बताते हैं, जैसे छोटा छोटा फंक्शन आप लोगों को याद रखना है कि जैसे मान लेते हैं मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो गया, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया? कॉस एक्स हो गया। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका? जैसे मान लेते हैं टैन एक्स हो गया, या एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं आपके पास कितना हो गया? लॉग एक्स हो गया, या एफ एक्स इक्वल टू हो गया आपके पास ई के पावर एक्स, या एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे समझना है कि जैसे मान लेते हैं अगर जे एफ एक्स इक्वल टू सीधा दिया रहेगा साइन एक्स, तो इसमें तो एक ही फंक्शन है ना, एक ही फंक्शन है ना, सीधा साइन किसका फंक्शन है? एक्स का। बट यहां पे हम एक्स के जगह पर कोई अन्य से उठा के कोई फंक्शन डाल देते, इसी में से उठा के, जैसे मान लिए हम लोग डाल दिए ई के पावर एक्स। क्या डाल दिया? e के पावर x। तो इसका मतलब हो गया कि साइन हो गया जो किसका फंक्शन हो गया? e के पावर x का। अब फिर e के पावर x हो गया जो किसका फंक्शन हो गया? x का। समझिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझ में आएगा। साइन हो गया तो किसका फंक्शन हो गया? e के पावर x का। e के पावर x फिर किसका फंक्शन हो गया? x का। समझ रहा है ना? तो इसीलिए इसका एक और नाम डाला जाता है, इसको बोला जाता है फंक्शंस ऑफ फंक्शन। फंक्शंस ऑफ फंक्शन मतलब फलनों का फलन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं फलनों का फलन। फलनों का फलन कहने का मतलब हो गया कि कई फंक्शन का मिला के एगो फंक्शन बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फलनों का फलन, फंक्शंस ऑफ फंक्शन, फंक्शंस ऑफ फंक्शन। याद रखिए, फिर देखिए, जैसे मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू आपके पास सीधा रहेगा लॉग एक्स, एफ एक्स इक्वल टू सीधा रहेगा लॉग एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि लॉग है जो किसका फंक्शन है? एक्स का। लॉग है जो किसका फंक्शन है? एक्स का। तो अब काम क्या कीजिएगा इसमें, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, अब अगर जो इसी में लॉग है एक्स के हटा के, यहां पे हम लोग डाल दिए टैन एक्स, एक्स के हटा के यहाँ पे क्या डाल
दिया tan x का, log किसका फंक्शन हो गया tan x का, एंड tan x फिर किसका फंक्शन हो गया x का, समझ रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है दो ही होगा। अब देखिए इसको कई सारा बना सकते हैं, जैसे मान ले लिखेंगे log tan x के जगह पर फिर हम डाल देंगे e के पावर x। तो देखिए log हो गया जो tan e के पावर x का फंक्शन हो गया, tan हो गया जो e के पावर x का फंक्शन हुआ, e के पावर x जो किसका फंक्शन हो गया x का, अर्थात इसमें क्या वो फंक्शन हो गया 1 2 3, क्या वो फंक्शन हो गया 1 2 3। x को कभी भी हम लोग गिनती नहीं करेंगे। अब समझिए फिर एक दो बार और समझो, देखिए सभी स्टूडेंट समझिएगा। जैसे मान लेते हैं आपके पास रहेगा fx equal to root x, तो fx equal to root x रहेगा, तो यहाँ पे जो fx है जो किसका फंक्शन है x का, किसका है x का, और x के जगह पर अब आके कोई अदर आदमी बैठ जाएगा, x के जगह पर आके कोई अदर आदमी बैठ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा fx equal to root x है ना, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा fx equal to root under sin x। तो इसमें क्या है वो फंक्शन हो गया दो को, कि मतलब यहाँ पे तो होना चाहिए x, लेकिन अब x के जगह पर काम कौन करेगा sin x, x के जगह पर काम कौन करेगा sin x, इसीलिए इसका नाम हो गया कंपोजिशन। अब इसी में फिर एक और, अब जैसे मान ले sin x के जगह पर हम लोग कोई चीज डाल देते हैं, जैसे log x डाल दिए, तो इसमें क्या हो गया एगो रूट एगो फिर साइन दो को फिर लॉग एक्स, तीन को फंक्शन हो गया। अगर जो मान लेते हैं एक और लिख लेते हैं, जैसे रूट अंडर साइन लॉग ई के पावर एक्स स्क्वायर दे देते हैं, तो इसमें देखिए क्या वो फंक्शन है जो समझिएगा। सबसे पहला तो रूट वाला एगो, फिर साइन वाला दो को, फिर लॉग वाला तीन को, और फिर ई वाला चार को, फिर एक्स स्क्वायर वाला, मतलब पांच को फंक्शन है इसमें। देखिए 1 2 3 4 5, x का गिनती नहीं करेंगे, ये बात आपको दिमाग में रखना है। x स्क्वायर रहेगा तब गिनती होगा, x रहेगा तो वह गिनती नहीं होगा। अब देखिए समझिए, जैसे हम आपको क्वेश्चन कर देते हैं y equal to fx equal to आपके पास रहेगा sin log e के पावर रूट अंडर एक्स क्यूब। अब समझिएगा सबसे पहला रूट है, बड़का रूट वाला देख रहा है ना, तो बड़ा रूट वाला है तो वह एक फंक्शन हो जाएगा, फिर साइन है तो आपका दूसरा फंक्शन हो जाएगा, फिर आपका लॉग है या तीसरा फंक्शन हो जाएगा, फिर आपका ई है तो फिर ई चौथा हो जाएगा, फिर आपका रूट है तो पांचवा हो जाएगा, फिर आपका एक्स क्यूब है छठा, अर्थात इसमें क्या वो फंक्शन है 6 फंक्शन है, क्या वो है 6 फंक्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन, fx equal to, जैसे मान लेते आपसे कोई पूछ देगा कि साइन रूट अंडर कॉस एक्स के पावर 5। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला तो साइन है एक फंक्शन, फिर रूट है 2 फंक्शन, फिर कॉस है 3 फंक्शन, फिर एक्स के पावर 5 है 5 गो, यानी 4 गो, 1 2 3 4, 4 फंक्शन हो जाएगा। अब जैसे चलिए लास्ट हम आज का क्वेश्चन लेते हैं, जैसे fx इक्वल टू कभी काल इस तरह का दे दिया जाता है, साइन रूट कॉस रूट cos root tan root x। अब देखिए समझिएगा क्या दिया हुआ है, जो समझिए fx equal to दिया हुआ है sin root cos root tan root x। तो समझिएगा सबसे पहला रूट है तो एक फंक्शन गिनती हो जाएगा, फिर sin है तो दूसरा फंक्शन गिनती होगा, फिर रूट है तीसरा फंक्शन गिनती होगा, फिर cos है चौथा, फिर रूट है पांचवा, और फिर टेन है तो छठा, और फिर रूट है तो सतवा, अर्थात इसमें क्या वो फंक्शन है 7 वो फंक्शन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, क्या वो फंक्शन है 7 वो। तो इसी टाइप का जो फंक्शन होता है उसी का नाम होता है कंपोजिशन फंक्शन। तो कोई अगर जो आपसे पूछे कि व्हाट इज कंपोजिशन फंक्शन, तो सीधा डायरेक्ट हम बोलेंगे कि दो या दो से अधिक फंक्शन के कंपोजिशन को हम लोग कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं डिफिनेशन, और इसी से रिलेटेड कल हम लोग का चैन रूल पढ़ना है, कल हम लोग चैन रूल पढ़ेंगे, आज तो समय थोड़ा सा इधर उधर ही पार हो गया है, कल हम आप लोगों को चैन रूल पढ़ाएंगे, और चैन रूल पढ़ लेने के बाद तब आप लाकर आप लोगों को 12th का चैप्टर बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा चैन रूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए
कोई अगर जब पूछेगा कंपोजिशन फंक्शन तो लिखिएगा द कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शन, टू फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिशन फंक्शन, इज कॉल्ड कंपोजिशन फंक्शन। याद रखिएगा, देखिए क्या लिखे जो समझिए, द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब होता है लगाओ या समझ लीजिए मिलना, कंबाइंड करना ना कहता है, कंबाइंड मतलब जुड़ रहा, दो फंक्शन जुड़ेगा, दो फंक्शन कंबाइंड करेगा, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शन, कोई जरूरी नहीं है दो ही फंक्शन होगा, दो से अधिक फंक्शन भी हो सकता है, तो टू और मोर देन टू फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन होगा, इज कॉल्ड कंपोजिशन फंक्शन, तो इसे हम लोग नहीं कहते कंपोजिशन फंक्शन कहते, क्या कोई प्रॉब्लम? तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे रोकते हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आज समय बहुत ज्यादा हो चुका है, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे रोकते हैं, और आप लोग कल वाला होमवर्क में जो भी क्वेश्चन नहीं बना होगा उसको फिर से बनाने का कोशिश कीजिएगा, समझ रहे हैं ना, हम आप लोगों को कल चैनल बताएंगे और कल फिर हम आपको होमवर्क देंगे, आज का होमवर्क आपका कल वाला ही रहेगा कि कल वाला आप लोग जो होगा जो बनाइएगा, समझ रहे हैं ना, तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे कल, समझ रहे हैं, चलिए ओके।